हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को इस तरीके से लोगो कैसे डिजाइन करते हैं बताऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो अगर आप ये लोगो डिजाइन करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। छोटी छोटी कोई भी ऐसी पॉइंट ऐसी हो सकती है जो आपको प्रॉब्लम में डाले, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां से हमने फाइल पे जाना है, एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। इसका नाम मैंने दे दिया लोगो डिजाइन। उसके बाद साइज ले लेंगे आप A4। उसके बाद आप इसको यहां से पोर्ट्रेट मोड कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। आपके पास यहां पर पेज आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, यहां से आपको लेना है एलिप्स टूल। एलिप्स टूल से पहले एक काम करना, इसका जो फिल कलर है इसको नन कर दीजिएगा। अब आप शिफ्ट को होल्ड करके एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद सिलेक्ट टूल को सिलेक्ट कीजिए, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी निकाल लीजिए। ऑल्ट को होल्ड करके आप इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी निकाल लीजिए और ऐसे रख दीजिए। उसके बाद आप ये दोनों टूल सेलेक्ट कर लीजिए, ये दोनों शेप आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। अब आप उसके बाद क्या कीजिए, इन दोनों को आप सेलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको यहां पर मिलेगा शेप बिल्डर टूल, ये वाला आप यहां देख सकते हैं। इसका नाम है शेप बिल्डर टूल, ये टूल आपको सेलेक्ट करना है यहां से। इसका नाम है शेप बिल्डर टूल, ओके। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद, ये वाला टूल सिलेक्ट करने के बाद आप यहां पर आएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस टूल के पास, जब आप इस टूल के पास आते हैं तो यहां पर प्लस का निशान आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। तो आपको क्या करना है कि मुझे ये वाली शेप यहां से डिलीट करनी है। तो आप ओल्ट को होल्ड कर लीजिएगा, जैसे आप ओल्ट को होल्ड करते हैं तो माइनस आ जाता है, छोड़ते हैं तो प्लस आ जाता है। तो आपको ओल्ट को होल्ड करना है, माइनस का मतलब होता है मुझे ये शेप हटानी है, डिलीट करनी है। क्लिक कर दीजिए, ये डिलीट हो गया। अब इसको भी हटाना है, क्लिक कर दीजिए, ये डिलीट हो गया। गॉट इट। इतना काम करना है आपको। वापस से आप अपने स्क्रीन पे आ जाइए। तो इतना काम करने के बाद अब आपके पास कुछ इस तरह की शेप बन जाती है। अब हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहां पर जाऊंगा और इसके स्ट्रोक को 3 नंबर पॉइंट कर दूंगा, और यहां पर जो यूनिफॉर्म दिख रहा है इसको मैं ये वाली शेप दे दूंगा। गॉट इट। ये वाली शेप आपको इसमें दे देने, कुछ इस तरह का इमेज आपके सामने आ जाएगा। अब आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब आपको जाना है ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद अब आपको जाना है ब्लेंड पे। ब्लेंड में आपको मिलेगा मेक। मेक से पहले एक काम कर लीजिएगा ताकि ये आपका परफॉर्म हो सके, वरना ये परफॉर्म नहीं होगा। सीजर टूल पे जाना है। सीजर टूल से इसका ये पॉइंट आपको कट करना है, इसका ये पॉइंट भी आपको यहां से कट कर देना है, ओके। तो ये कुछ इस तरह की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको फिर से ये शेप सिलेक्ट कर लेना है। अब आप जाएंगे ऑब्जेक्ट में, यहां से आप जाएंगे ब्लेंड पे। अब आप मेक वाले बटन पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने के बाद कुछ इस तरह की शेप आपके पास आ जाएगी। अब आप फिर से एडिट में जाइए, उसके नहीं सॉरी ऑब्जेक्ट में जाइए, ब्लेंड पे जाइए, और आपको यहां पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ब्लेंड ऑप्शन। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपके पास इस तरह का विंडो आएगा। यहां से आप सेलेक्ट कर लीजिए स्पेसिफाइड स्टेप्स। उसके बाद आप इसका प्रीव्यू ऑन कर दीजिए और इसकी वैल्यू को आप बढ़ाइए अपने हिसाब से। देख लीजिए आप कितने उसमें हाफ सर्कल चाहते हैं कुछ इस तरह की शेडों में। तो हमने यहां पर लिया 10 नंबर, आप इसको ओके कर दीजिए, कुछ इस तरह की शेप आपके पास आ जाएगी। अब आप इसको फिर से सिलेक्ट कीजिए और इसका एक डुप्लीकेट निकाल लीजिए। ओल्ड को होल्ड करके इसका हमने एक डुप्लीकेट बना लेना है, ठीक है। इसका डुप्लीकेट बनाने के बाद आप इसको ऐसे टर्न करें, 90 डिग्री पर यह टर्न होगा, ओके। अब इसको आप यहां पर कर दीजिए एडजस्ट कुछ इस तरीके से, एरो की मदद से, माउस की मदद से। आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिए कैसे एडजस्ट करना है। कुछ इस तरह की शेप आपके पास आ जाएगी। अब मैं इसको थोड़ा सा पेज को छोटा करता हूं, ठीक है। अब आप इसकी एक कॉपी और निकाल लीजिए, सिलेक्ट कीजिए, ओल्ट की को होल्ड करके इसका डुप्लीकेट निकाल लीजिए, देखिए ऐसे, और इसको रोटेट कर दीजिए। ये मैंने इसको रोटेट करना स्टार्ट किया, शिफ्ट के साथ बिल्कुल स्ट्रेट रोटेट हो जाएगा। अब आप इसको पकड़ कर ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लीजिए, ऐसे एरो की मदद से इसको यहां पर एडजस्ट कर दीजिए। तो देखिए लोगो बनकर आपके सामने तैयार होने वाला है, लगभग ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब आप इसको पूरे को सिलेक्ट कीजिए और यहां से इसको 45 डिग्री पर रोटेट कर दीजिए ऐसे, और इसको अब आप जूम करके बड़ा करके देखिए, और ये हो गया आपके सामने आपका लोगो तैयार। वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिले तुरंत और सबसे पहले। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, क्लास नंबर 7 में। ये हमारा क्लास नंबर 6 था। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।